अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामत सेंटर, न्यू रोडवेज़ के सामने, बहेड़ी बरेली, इंडिया से। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुँचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मात्र सिर्फ ओनली 50 रुपये के अंदर 100 टैबलेट आती हैं, और इतनी शानदार टैबलेट किस मौसम सर्दी में बेहतरीन चीज़ है। इस दवा के अंदर क्या क्या मौजूद है पहले मैं वो बता दूं आपको, फिर इसके फ़ायदे बताऊंगा। अज़रा की मुदब्बिर, फिलफिल सिया और फिलफिल दराज, तीनों ही चीज़ें, यानी कि तीनों ही दवाएं गर्म हैं, और तीनों ही दवाएं इस मेडिसिन के अंदर हैं, जिसका नाम है हब्बे अज़रा की। आप देख रहे हैं ये हब्बे अज़रा की है, और मेरे पास जो इस वक्त मौजूद है वो शमा कंपनी की है। हालांकि ये एक क्लासिकल मेडिसिन है, और बहुत सारी यूनानी की कंपनियां इसी नाम से इसको बनाती हैं, और यूनानी मेडिकल स्टोर पर आप इसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसका नाम हब्बे अज़रा की क्यों रखा गया है? क्योंकि हब जो है दोस्तों, वो राउंडेड गोल गोली जो होती है उसको हब कहा जाता है। अज़रा की, जैसे मैंने बताया कि इसमें दवा मिली हुई है, जुज़े ख़ास मेन कॉन्टेंट के तौर पर अज़रा की शामिल की गई है मुदब्बिर करके, इसलिए इसका नाम हब्बे अज़रा की रख दिया गया। अफ़ाल व ख़ास की अगर हम बात करें, इसके क्या क्या फंक्शन हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मुकव्वी आसाब है, नर्व टॉनिक, ये मुकव्वी आसाब है, नर्व टॉनिक। उसके बाद दाफे सुरा है, एंटी एपिलेप्टिक, मिर्गी के ख़िलाफ़, मतलब मिर्गी में काम करने वाली दवा या ख़त्म करने वाली दवा। दाफे वजुल मुफासिल है, दाफे वजुल मुफासिल का मतलब होता है जोड़ों के दर्द को दूर करने वाली दवा। मुकव्वी मैदा है, स्टोमक टॉनिक का भी काम करती है ये। उसके बाद इसका एक फंक्शन ये भी है कि फालिज लकवा में बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है, तो फालिज लकवा में हब्बे अज़रा की का बहुत अच्छा काम। मुकव्वी बाह भी है, सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाने का काम करती है। ये हुए इसके फंक्शन की बात। बात करेंगे अब हम इसके इस्तेमाल की, कि कौन कौन सी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस्तेमाल जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा उठा लें। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से मौक़ों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, ऐसा लगता है कि नसों में दर्द होता है, मतलब नर्वस सिस्टम में दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है, चलने फिरने के साथ साथ बैठने में परेशानी, हर वक्त थकान सी महसूस होती है, वो लोग इसका इस्तेमाल करें। ये नर्वस सिस्टम को ताकत दे करके मर्ज को दूर करने का काम करती है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एंटी एपिलेप्टिक भी है, तो इसमें क्या है, दाफे सुरा मतलब मिर्गी को दूर करने वाली, जिन लोगों के मिर्गी का दौरा पड़ता है वो लोग भी हब्बे अज़रा की का इस्तेमाल किया करें, बेहतर दवा है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस की शिकायत है, गठिया की शिकायत है, वो लोग हब्बे अज़रा की का इस्तेमाल करें। ये मिजाजी एतवार से बड़ा तेज़ी से काम करती है दवा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका एक फंक्शन ये भी है कि फालिज लकवा राशा, हाथ कपकपाना, फालिज और लकवा की शिकायत वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीमोर एक बीमारी है जिसमें हाथ पैर कपकपाते हैं, उस बीमारी में इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल है, और आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। याद रखिए, जो बीमारियों में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, उन बीमारियों में आप जब भी इस्तेमाल करें अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, ऐसे डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद शाइटिका, इरकुन्निसा एक बीमारी है, शाइटिक नर्व जिसमें दब जाती है, इस पर मैं बराबर इलाज करके दिखाता रहता हूँ आपको शाइटिका क्या होता है, और इस पर बहुत सारी वीडियो हैं शाइटिका पर, इसकी दवाएं क्या हैं, थेरेपी कौन कौन सी होती है, उसमें भी हब्बे अज़रा की का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। मात्र 50 रुपये में 100 गोली आती है शमा कंपनी की, हालांकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट पे हो सकती है, आप ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ोफ़े मसाना, नर्वस सिस्टम मसाने का अगर कमज़ोर हो गया है तब भी इसका इस्तेमाल करें, याद रखिए मिजाजी एतवार से अगर इस्तेमाल किया आपने तभी ये फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये दवा गर्म है, सर्दियों के दिनों में बहुत अच्छा काम करती है, हालांकि कभी भी दे सकते हैं लेकिन सर्दियों में ज़्यादा बेहतर काम करती है। गर्म होने की वजह से
ठंडे मिजाज वाले ही लें, बलगमी मिजाज वाले ही इसका इस्तेमाल करें। अगर जिन लोगों का मिजाज गर्म है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी में और गर्मी बढ़ने से हो सकता है दवा आपको नुकसान ना करे लेकिन फ़ायदा भी नहीं करेगी। इसलिए अगर आपका मिजाज ठंडा है जब भी आप इसका इस्तेमाल करें। जिन लोगों का मिजाज बलगमी मादे की वजह से ठंडा है और मैदा कमज़ोर हो गया है, बलगमी मादे की वजह से मैदा कमज़ोर हो गया है, तब हब्बे अज़रा की बहुत बेहतरीन काम करती है और फौरन रिलीफ देती है। आम जिस्मानी कमज़ोरी है बलगमी मिजाज की वजह से, बदन में ठंडक रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये मुकव्वी आसाब है, नर्वस सिस्टम को मज़बूत करने वाली दवा है। ठीक है, आतिशिक सिपलिस एक बीमारी होती है, उसमें भी इसका बड़ा अच्छा काम है। जाड़ों के दिनों में आप बुज़ुर्गों को इसका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि बुज़ुर्गों का अक्सर मिजाज सर्द हो जाता है, ठंडा मिजाज हो जाता है, सर्दियों में और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तब आप हब्बे अज़रा की का इस्तेमाल कराया करें और उसमें उस तरह की परेशानी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल। मेरा मानना यह है कि इसको हालांकि कभी भी किसी भी उम्र के लोगों में दे सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे की जो उम्र होती है और जो उनमें परेशानियां होती हैं, कमज़ोरी होना, हाथ पैरों में थकान होना, वीकनेस होना, तरह तरह की परेशानियाँ जो होती हैं, उसमें आप हब्बे अज़रा की का इस्तेमाल कराया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है और फ़ायदा भी करेगी। इसके मिजाज मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इसमें फिलफिल सिया, फिलफिल दराज और अज़रा की मुदब्बिर साफ़ करके, कुचला जो है उसको मुदब्बिर करके इस्तेमाल किया जाता है, उसका पाउडर बना करके, और इसको किसी अर्क के वगैरह में, अर्क बैद मुश्क ले सकते हैं या और भी कोई से अर्क ले सकते हो, उसमें मिला करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ इसके फ़ायदे फंक्शन की बात, गोलियां बनाने की बात। बात करेंगे अब हम डोज इसी कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, अगर ज़्यादा परेशानी है तो दो दो गोली सुबह शाम ले लें, वरना एक गोली सुबह एक गोली शाम, ताज़ा दूध के साथ में लें, गर्म गर्म हल्का सा दूध लें और एक एक गोली सुबह शाम लें। ठीक है, इसके साथ में आप दूसरी कोई दवा लेना चाहें तो मशवरा ज़रूर करें, या आप ये भी दवा लेना चाहते हैं अपने नज़दीकी डॉक्टर से बिना मशवरे के, कभी भी कोई सी दवा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो यूनानी हो या किसी भी पैथी की दवा हो, क्योंकि दवाएं आपको नुकसान भी कर सकती है आपके मिजाज, अगर आपको नहीं पता या दवाओं का मिजाज नहीं पता। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूं आप पसंद करेंगे इस जानकारी को, और ये जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, हमारी खातिर शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएँ, आप लोग भी दूसरों तक फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएं जैसे मैं आपको पहुंचाता रहता हूं। दवाखाना तिब्बिया कॉलेज, हमदर्द, शमा, दहलवी, रेक्स, कई ऐसी कंपनियां इसको जो बनाती हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, गर्म मिजाज वालों को ये दवा हो सकता है साइड इफ़ेक्ट भी कर जाए या फ़ायदा ना करे, वैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मिजाज एतवार से अगर आप इस्तेमाल करें तो ये डेफिनेटली फ़ायदा करेगी। ठीक है, शुगर के पेशेंट भी ले सकते हैं, लेडीज़ भी ले सकती है, हामला औरत ना लें इसको, याद रखिए, हामला औरत जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो इसको हरगिज़ ना लें, किसी भी 9 महीने के दरमियान किसी वक्त इसको नहीं लेना, ये नुकसान कर सकती है आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। किसी बीमारी का इलाज आप कराना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।